गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे गया इसी तरीके का यहाँ पर, पर, okay, पर, 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 पर क्रॉस नहीं किया और उस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर मार्केट में तेजी दूसरी लेवल की नहीं होने वाली इस सीट को याद रखिएगा मैं हमेशा यहाँ पर आपको अपने वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि क्या हो सकता है देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फ्राइडे को यहां पर वीडियो बनाई थी और फ्राइडे को वीडियो बनाई थी तो मंडे को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रैली होती हुई दिखाई दी किस वजह से मैंने आपको बताया तो ओबीसी बात है यहाँ पर चार्ट कुछ कहते हैं ओके और सारी चीज़ें मैंने उसी के हिसाब से आपको बताई है आज कल के दिन में यहाँ पर एक गिरावट हो सकती है वो कैसे हो सकती है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट मार्केट को पूरा जान लेते हैं समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिले आप चाहे तो हमें इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटिमेंटल देख लेते हैं तो कल की डेट में कल की डेट में यहाँ पर, यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आई थी की तरफ से पांच सौ दो करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर माल खरीदा था इसके अलावा अगर हम बात करें डी की उन्होंने भी पंद्रह करोड़ का यहाँ पर माल खरीदा था जिस वजह से मार्केट में अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आई थी और अगर हम यहां पर देखें और कुछ फैक्ट्स तो यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्ट्स अगर हम कल की डेट में देखते हैं तो कल की डेट में जिनों ने अमेरिकन मार्केट देखी होगी वो सोच रहे होंगे कि आज की डेट में यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी क्यों क्योंकि यहाँ पर देखें तो कल की डेट में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी लगभग सिक्स पा, परसेंट पांच पॉइंट डो जोन्स भागता हुआ दिखाई दिया था और डोजोन्स अभी एक आधे दिन की रैली शायद और दिखा सकता है और यहाँ तक चौतीस तक यहाँ पर जाने की पूरी कोशिश कर सकता है लगभग आठ पॉइंट की पॉइंट यहाँ पर जम दिखाई देते हैं

और यहां पर जो कैंडल बनाई थी वो कैंडल हमेशा मैं आपको बताता हूँ अच्छी तेजी हो जाने की और जब इस तरीके की कैंडल बन जाती है ओके जिसे शूटिंग स्टार कहते हैं तो ऑबी बात है गिरावट होने के संकेत रहते हैं बट डोजोन्स क्या ऐसा कह रहा है डोजोन्स एक बार देख लेते हैं दोबारा से तो आपको समझ में आएगी तो डोजोन्स ऐसा नहीं कह रहा है डोजोन्स में एक जो कैंडल बनी है वो मारू जुबा एक कैंडल होती है वो बनी है जो बता रही है यहाँ पर तेजी हो सकती है तो यहाँ पर तैयार रहिएगा बट हम यहाँ पर क्या यहाँ पर कल तेजी हुई बट आज की डेट में इंडियन मार्केट में तेजी हुई तो इसका आंसर है बिल्कुल नो तो काफी बार देखिए सिमिलर जरूर चलता है बट ऐसा नहीं है कि डेली सिमिलर चलेगा ओके वहां की मार्केट और यहाँ की मार्केट में थोड़ा बहुत अंतर है और हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी है वहां की मार्केट में अभी भी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है इस चीज को याद रखिएगा तो हम यहाँ पर बात करें बट ओवरऑल और उधर की मार्केट का इफेक्ट यहाँ की मार्केट में डेफिनेटली पड़ता है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब भी इस तरीके का एक आइलैंड टाइप में बनता है बहुत सारी कैंडल एक ही रेंज में बनती हुई नजर आती है तो उसके बाद एक तेजी होती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तेजी होती हुई दिखाई दे रही है बट एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल को तो इसे एक ग्रेव स्टोन कैंडल कहते हैं इसका मतलब क्या है ग्रेव का मतलब क्या होता है ग्रेव का मतलब होता है कब्र ओके जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो उसमें यहाँ पर गिरावट के संकेत होते हैं इसका मतलब हो जाता है कि एक गिरावट यहाँ पर हो सकती है तो ये गिरावट Uh, अगर कल की डेट में इस लेवल को यहां पर मैं एक लेवल दे रहा हूँ सोलह ओके जो कि इसका ये लो भी था कितना था एक बार देख लीजिए सोलह अगर इसे यहाँ पर तोड़ता है तो याद रखिए ये पूरा का पूरा जो निफ्टी है ये आता हुआ दिखाई देगा सोलह हजार के आसपास और ये जो लेवल है इसके लिए अभी ये सपोर्ट है और रजिस्टेंस की बात करें जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देता जो कि इसका आज का भी हाई है सोलह ओके सोलह हजार छह सौ नब्बे पिचनवे को ये क्रॉस नहीं कर देता सोलह सात सौ के यहाँ पर क्रॉस नहीं करता तब तक तेजी की उम्मीद मत रखिए मैंने यहाँ पर देखिए लेवल निकाल रखे हैं और उन्हीं लेवल को क्रॉस करके या तो यहाँ पर ऊपर के लेवल पे जाके चुपचाप नीचे आ रहा है या फिर उन्हें क्रॉस करके यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ रही है तो इसी चीज को आपको भी समझना है इसे सीखना है और मोस्ट प्रोबेबली कल से कल से हम इसी चैनल पे ओके okay, हम यहाँ पर टेक्निकल की यहाँ पर क्लासेस एक एक डेली एक वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर आपको चीजें सिखाते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर कैंडल देख के पर पर पता लगा सकते हैं कि कि कैंडल 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 तेजी बुलिश है 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 या है और उन का ऐसा नहीं है कि अगर कैंडल बुलिश बन रही है और कहीं और उप, और कहीं बन रही है तो आप यहाँ पर सोचें कहीं भी बन रही है तो बुलिश है ऐसा नहीं होता तो वो चीज यहाँ पर सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाता हुआ नजर आऊंगा तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की आप, मिट के आप, तो मिट के आप यहाँ पर निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप यहाँ पर देखिए पर देखिए ऑलरेडी खींच रखी थी ये ये ड्रॉ कर रखी थी ऊपर गया ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 38 पॉइंट का नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अच्छा खासा यहाँ पर डूरिंग द मार्केट चल रहा था और इसने एक कैंडल बना लिया है अगेन ये कैंडल कौन सी बनी है तो आज अभी आपको मैंने एक कैंडल दिखाई थी यहाँ पर आप देखेंगे डोजोन्स फ्यूचर में क्या बना था कल के दिन में यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनती हुई नजर आई थी और यहाँ पर आज के दिन में निफ्टी मिड कैप में ये कैंडल बनती हुई नजर आई है जब आज के दिन में वो गिरता हुआ नजर आया है निफ्टी फ्यूचर गिरता हुआ नजर आया तो कल के दिन में शायद यहाँ पर एक गिरावट हो सकती है ओके और ये निफ्टी मिड कैप में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है उसे शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सत्ताईस को अगर इसने होल्ड कर लिया वेल एन कोड अदरवाइज जो सपोर्ट अच्छे खासे सपोर्ट दे रखे है देखिए यही सपोर्ट यहाँ पर नजर आते हैं तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना

इसके लिए देखिए 9228 का एक पॉजिटिव यहां पर रेजिस्टेंस दिखाई देता है शायद इसे टच करके जैसे मिड कैप और निफ्टी 50 नीचे आते हुए दिखाई दी है सेम एज इट इज इसे टच करके कल की डेट में नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं बट कहीं ना कहीं कल यहां पर स्मॉल कैप में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि यहां पर पॉजिटिविटी रहती हुई दिखाई देगी सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस की सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट जो आठ हजार नौ सौ अट्ठाइस का है एज वेल एज ये नौ हजार सत्ताइस का है ये इसमें सपोर्ट की तरफ काम करेंगे और सबसे मेन सपोर्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में जो शॉर्ट टर्म की बात करूं तो नौ हजार एक सौ बासठ का सपोर्ट दिखाई देता है और ऊपर का रेजिस्टेंस यही है इसे क्रॉस किया तो याद रखिए फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और इसे भी अगर निकाला तो ऊपर की तरफ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे सेक्टर्स को भी एनालाइज करना है तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते आई टी में तो निफ्टी आईटी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है यहाँ पर देखिए कल के दिन में तो अच्छी खासी तेजी थी आज के दिन में उसी लेवल को यहाँ पर टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये आ, ये कैंडल तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कैंडल बनी है ओके कैंडल तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई देती है तो कल के दिन में अगर इस इस लेवल को इसने क्रॉस किया तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है जो इसे शायद तीस हजार आठ सौ तेईस के पास लेके जा सकती है बट अगर यहाँ से गिरावट शुरू हुई तो इसके लिए ये सपोर्ट काम आएगा उनतीस हजार एक सौ सोलह का और इसे भी तोड़ दिया तो सीधे यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है अट्ठाईस तीन सौ इकहत्तर के आसपास इसलिए मैंने परसों के दिन में यहाँ पर आप देखेंगे तो दस आई टी स्टॉक्स आपको बताए थे और लार्ज कैप वर्सेज मिड कैप आई टी स्टॉक्स इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था

जो हम हम हमारे टेक्निकल से रिलेटेड जो हम वीडियोज बनाने वाले हैं उसका लाभ उठा पाएंगे और बिना किसी की हेल्प के यहाँ पर इजीली कुछ भी ट्रेड इंट्राडे स्विंग फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ यहाँ पर कर पाएंगे इसके अलावा और भी कुछ देख लेते हैं

निफ्टी एफ की बात कर लेते हैं क्यों क्योंकि निफ्टी एफ एम यहाँ पर देखेंगे तो लगातार एक ही रेंज में और बार बार यहाँ पर कोशिश कर रहा है तोड़ने की और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर ओके यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है ओके okay, जब भी इस तरीके का यहाँ पर ये यह पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है ओके okay, तो उस केस में क्या होता है उस केस में एक तेजी होती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तेजी सीधे दिखा रहा है कि यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है इकतालीस हजार आठ सौ पंद्रह के आसपास जो कि यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर दिखाई देता है तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है अगर यहाँ पर इस कैंडल को जो कि आज के दिन में इसने लो बनाया था ओके सॉरी हाई बनाया था अड़तीस का इसे क्रॉस कर देता है तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी

गिर चुके हैं ओके okay, और काफी टाइम से यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज में यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं अब तीन से छह महीने के अंदर अंदर फार्मा में एक रैली होती हुई दिखाई देगी बड़े बड़े लोग फार्मा को यहाँ पर स्टॉक्स को यहाँ पर एकट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और जो इनकी जो मार्जिन पे इफेक्ट आ रहा था छह महीने में वो मार्जिन पे इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो दोबारा पॉजिटिविटी यहाँ पर शो होगी और अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर निफ्टी फार्मा की तरफ अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है ओके अगर आपको यहाँ पर पैसा कमाना है तो निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक मिनट दीजिए निफ्टी बैंक ओके कोई नहीं निफ्टी बैंक यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक भी अगेन यहाँ पर इसने हाई बनाया और एक रेजिस्टेंस के पास ही सॉरी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है ये इसका बेहतरीन सपोर्ट है अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है और आज के लो को ये तोड़ता है तो सीधे यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है तैतीस के आसपास और जब तक इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस ना करे तो ये समझिएगा यहाँ पर तेजी नहीं होने वाली छत्तीस हजार को क्रॉस करता है तो सीधे सैंतीस हजार छह की यहाँ पर रैली होती हुई नजर आएगी और निफ्टी एनर्जी में भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी एनर्जी काम कर करती हुई दिखाई देगी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी में शायद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और ऊपर की तरफ ले जाके आपको यहाँ पर फंसाते हुए दिखाई दे सकता है तो एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर भागा है आप यहाँ पर जानते ही है ओके और एक बार रिजल्ट भी अभी थोड़े बहुत हल्के फुल्के आने लग गए मार्जिन पे इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं तो यहाँ पर जब तक आ, इस लेवल को ना निकाले असली तेजी मत करिएगा पहली बात और दूसरी बात यहाँ पर अगर चीजें ऊपर जाती है तो कोशिश करिएगा एग्जिट करने की क्यों क्योंकि जाने का और जब नीचे इस इस रेंज में अब आ जाए बाईस ओके और यहाँ पर इक्कीस तो उस केस में तो यहाँ पर बाइंग करने की सोचिएगा इसी तरीके से स्टॉक्स में भी एनालाइज आपको करना है तो यह पूरा का पूरा निफ्टी का प्रिडिक्शन था कल के लिए ओके okay, और कल के दिन में अगेन यहाँ पर वीडियो बनाएंगे और जानेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता बट बिफोर दैट वीडियो यहाँ पर क्लोज करें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन को हिट और जितना हो सके सपोर्ट करिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस